जो संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। वाह वाह, ऐसे ध्यान से पढ़ा कर हैं, अफसर बनना ना बड़ा होके हैं। ये मुखत के आ गया भाई। बेटा जा उठ के बैठ जा, ये थाली पकड़ को, देखता हूँ क्या आ गया। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे भाई सांस तो ले ले जरा हैं। अरे कौन है? जोगिंदर भैया, क्या बात है जोगिंदर भैया? क्या बात है जोगिंदर भैया? चल 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 जोगिंदर भैया, साड़े हमारे ही टुकड़ों पे जीता है और कस्बे वालों को अम्मा जी के खिलाफ ही भड़का रहे हैं। हमेशा के लिए तेरी चबान बंद करने आया हूं आज। ना जोगिंदर भैया, ना जोगिंदर भैया, भैया मैंने कुछ नहीं किया, भैया मैंने कुछ नहीं किया जोगिंदर भैया। वो मोरा खिलाता है क्या तन्ने, जो उसके कहने पे कोर्ट जा रहा था गवाही देने, और वह भी अम्मा जी के खिलाफ। नमक हराम साले। जोगिंदर भैया मैं जा कर सकूंगी? मैं क्यों करूंगा ऐसा? सब बोल रहे थे गांव वाले गवाही देने के बारे में, मेरा मन में तो ऐसा विचार ही नहीं आया, ऐसा ख्याल आ सकता है क्या जोगिंदर भैया मेरे मन में अम्मा जी के लिए? ना जोगिंदर भैया मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं भैया। अगर नहीं सोचा तो अच्छा है, पर अगर तेरे दिमाग में कोई कीड़ा घूम रहा है एक बात अच्छी तरह से समझ ले, वो जो हो रहा है ना वो पत्ता है, सिर्फ एक पत्ता। जिस दिन हवा भाई उस दिन उड़ के चले जाएगा किसी दूसरे ठिकाने, और जो अम्मा जी है ना वो इस कस्बे की पेड़ है, पेड़, और पेड़ अपनी जगह से ना हिला करते, दोनों में फर्क समझ रहे हैं ना? इसलिए अम्मा जी के घर के आगे सीस झुका। और अम्मा जी की कृपा दृष्टि अगर तेरे ऊपर से उठ गई तो इस कस्बे में रहना मुश्किल हो जाएगा तेरा, और वो वोरा भी ना आवेगा तुझे बचाने। अरे गंगा जल है यो, इसने छू के सौगंध खा कि जब तक कोर्ट में अम्मा जी की सुनवाई ना हो जाती तू कस्बे का कोई भी आदमी कस्बे के बाहर ना जाएगा, और कोर्ट में गवाही देने की बात थारे दिमाग में भी ना आएगी। खास सौगंध।
अरे खा। देख अगर तू ना खाएगा तो एक तरीका है हमारे पास, ये जो तेरा लाडला है ना, ये गंगा जल तुझे इसे पिलाना पड़ेगा। बाकी इंतजाम हम कर देंगे। छुकर सौगंध खाता हूं कि जब तक अम्मा जी की कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, मैं इस कस्बे से बाहर पांव नहीं रखूंगा। रेजे फिर ते तेरे मर्द में नेता गिरी उमड़ आवे, अपने मासूम बच्चों की शक्ल दिखा दिए, कहीं ऐसा ना हो के प्रदीप की मां जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अम्मा जी जितनी भी ताकतवर हो, वोरा के साथ पूरा प्रशासन है, अम्मा जी का टिकना बहुत मुश्किल है। देखना अम्मा जी को बर्बाद करने में वोरा अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अब राम जाने आगे क्या होगा। प्रदीप के बापू, हमें भैंसा लगने लगा है कि इतने बड़े लोगों की लड़ाई की चपेट में हम ना आ जाए। यही सोचकर तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। रस्म भी पूरी कर चुके हैं हम, तो कैसे पीछे हट जाए। बड़े घर की लड़की की मोह की वजह से कहीं अपने घर की सुख शांति में आग न लग जाए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मुझे झूमर के ब्याह का पता चला, मैं तुरंत आ गई नानी के घर रहने। अब मैं आ गई हूँ ना, अब उसके जोड़ा बनवाने से लेके मंडप की सजावट तक हर काम में आपका हाथ बटाऊंगी मैं। मेरी सबसे अच्छी सहेली जो है, हर पल उसके साथ रहूंगी मैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, और तू ना आती तो उसे बुरा ना लगता। कैसे नहीं आती, लेकिन वो पगली है कहाँ। देख उसका ब्याह तय हो गया, तू उसे चिढ़ाया मत कर। वो अपने कमरे में, मैं तुरंत जाके चौंकाती हूँ उसे। जानो बालिके, नहीं तो इस जोगन का श्राप लगेगा तुम्हें। तुम्हारा होने वाला पति गोरे से काला हो जाएगा, बिल्कुल कोयले जैसा। रूपा। अच्छा
काला पति पाने के डर से तूने झट से पहचान लिया। हाँ तुझे कैसे नहीं पहचानती पगली कहीं की। तेरा चेहरा तो गुलाब की तरह खिल गया है, लगता है जीजा जी जिंदगी भर तेरे प्यार में डूबे रहेंगे। ओह हो शर्माने वाली अदा। अच्छा बताना तेरे उनसे मुलाकात हुई क्या, कैसे दिखते हैं, कुछ बात हुई बोलना। अच्छे लगे वो? वो तो तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है। ओहो मेरे कहने का मतलब अच्छे इंसान है वो, उनका मन बहुत अच्छा है। अब तू ही मुझसे ये सवाल जवाब करना बंद करेगी, बैठ मेरे साथ यहाँ। अब बता कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ये ले रूपा, पहले चाय पी ले फिर बैठ के जी भर के बातें कर। अजुमत आ गई ना तेरी सहेली। अच्छा सुनो तुम दोनों बैठ के जी भर के बातें करो, मैं भीतर जाती हूँ, बहुत सारा ब्याह का काम पड़ा है। अरे छोटी माँ अब मैं आ गई हूँ ना, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब काम मैं कर लूंगी। ठीक है। हाँ हाँ तू तो करेगी ही, क्यों नहीं। अम्मा जी सिंह जयसिंह हाथ लग गया उस वोरा के। अरे उसी के दम पे आपने चुनौती देता फिर रहा यो वोरा। कौन सा ब्रह्मस्त्र हाथ लग गया उसके के मारे कस्बे में छाती चौड़ी करे घूम रहा है। धरती खोदनी पड़ जा या आसमान छेदना पड़ जा, आज के आज वो जय सिंह मन अपने आगे चाहिए। हाथ में आ गया ना पूरी बाजी एक झटके में पलट जाएगी। दलबीर यशपाल